जी अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने किचन बनाया है, ये आपको रिव्यू कराता हूँ इसका। यहाँ से शुरू है, ये फ्रिज है इसका। फ्रिज के ऊपर दो दरवाजे आगे चलते बनाया है इसको, तो उसके बाद ये जगह आ गई, फिर ओवन, बेल्टन, और बेल्टन के नीचे ये जगह बना। यूनिक किचन बनाया है ये, बनी के अंदर ये मार्बल इसका, ये बिल्कुल व्हाइट कलर का लगा दिया। जब वो ग्रे कलर की शीट के साथ इसको बोर्ड लकड़ी के कलर से मैच कर दिया। ये इसका चिमनी लगा दिया टर्बो। टर्बो के बाद ये फिर दो दरवाजे आ गए, ये ऊपर खुलने वाली चिमनी के साथ जैसे आ जाते हैं तो अच्छा एक लुक आ जाता है कि भाई किचन की लुक जो है ना बन जाती है। ये लंबा दरवाजा दे दिया फ्रिज कितना आगे, ताकि शेल्फ ये रखें, इसके शीशे की शेल्फ रख देंगे पूरा। फिर ऊपर से यहीं से शुरू होता है ये फ्रिज के ऊपर से, पर भी जो है ना फ्रिज के ऊपर से यहाँ से शुरू हुआ, ये पूरा ऐसे पूरा घुमा के ये दरवाजे के ऊपर से ले जाके यहाँ तक बना दिया। पूरा जो भी आपका जितना भी सामान हो ऊपर तक आ जाएगा। ये फिर दरवाजा है ढक कर ढक के यहाँ से, और उसके बाद फिर ये नीचे आ गया, ये बेसन के नीचे दो दरवाजे, ये बेसन के साथ दो दरवाजे बन के फिर ये बंद कर देते हैं ताकि बेसन की बदबू वगैरह ना जाए, ऐसे खुल जाते हैं ये। बोतल रहेगा इसका, जालियां इसके रखी हैं अंदर, जाली लग जाएगी। ये स्पून ट्रे है, इसमें चम्मच कांटे आपके ढूल के आ जाते हैं। ये भी स्पून ट्रे लगा हुआ है, इसमें भी दोनों में स्पून ट्रे लगा हुआ है। इधर से फिर बोतल से काम गया एक, ये पूरा मैंने बॉक्स बना के रख के फिर ऊपर मार्बल लगवा दिया है। ये जो तो दीवारें होती है, दीवारें बहुत चौड़ी चौड़ी हो जाती हैं, तो उसका जगह जो स्पेस कम हो जाती है, इसी वजह से पूरा बॉक्स बना के रख दिया नीचे, ताकि पूरा जो है ना स्पेस अच्छे से अच्छी मिल जाए।